मैंने मैंने देख ली बस बस so, yes, so मैं आज डायनामाइट देखी बिकॉज थोड़ा मेरे को लग रहा था कि क्या पता जब वो पेपर व्यू हुआ है उसके बाद कुछ अच्छा देखने को मिला नॉट आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड इट वॉज़ ए गुड शो देखो मैं तो थोड़ा बैसड रहूंगा इस चीज़ में बिकॉज यार मिनोरू सुजुकी उसके मेन इवेंट में थे तो मैं क्यों ना देखता एज सच मेरे को उसके मैचेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इसी बस मेन इवेंट के अलावा मेरे को लगता नहीं कि मैंने ज़्यादा मैचेस पे ध्यान दिया था मेरे को ज़्यादातर सेगमेंट्स में मज़ा आता और अगर आपके सेगमेंट्स अच्छा आपका शो ऑलरेडी हिट हो जाएगा तो जो मेरा फेवरेट सेगमेंट ऑफकोर्स सी एम पंक वाला था जो सी एम पंक का प्रोमो था मतलब सी एम पंक इज जस्ट हैप्पी मैन सीएम पंक के अंदर वो इंटेंसिटी है कि कंपनी जो भी बोलेगी ना वो कर सकता है उस कंपनी के लिए सो आई थिंक ही इज द जॉन सीना ऑफ ऑल रेसलिंग अगर हमारे पास जॉन सीना है तो उनके पास सीएम पंक है वो उनका वर्जन है एंड एक और मेरा फेवरेट सेगमेंट आया ओमेगा वाला भाई यार ओमेगा बक्स और उसके साथ गैलोज और गैलोज और एंडरसन तो अलग ही बैड एस दिखते हैं स्पेशली ल्यूक गैलोज एंड देन उसके साथ जो वो आते हैं ना एक तो जो स्प्रे मार रहा था और एक कैलेस करके कोई है भाई ये भी अलग ही कैरेक्टर है मतलब ये जो एन डब्ल्यू वर्जन बनना चाह रहे हैं ना आज के मॉडर्न एरा का ये बहुत ही बढ़िया बन रहे हैं उस टाइम पे वो लोग बैड ऐस और ये सब हुआ करते थे और ये थोड़ा क्रिंजी टाइप बन रहे हैं बिकॉज ऑफकोर्स ऐसे ही कैरेक्टर एटलीस्ट प्ले कर रहे हैं जो कि बहुत बखूबी प्ले कर रहे हैं एंड आई लाइक डिट एंड ये ये गलत है यार मैं ऑल आल अली ट्रस्लिंग फैंस की लेने की कोशिश करता हूँ और ये दी इलीट जो अब ये मेरी फेवरेट बनती जा रही है ऐसा नहीं चलेगा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा बीबी बट क्या करें अच्छा मेरे को सेगमेंट लगा था तो लगा था बाकी एडम कोल का तो वही नॉर्मल सा ही लग रहा था भाई संडे को भी तुमने स्टोरी सुनाई अब भी तुम स्टोरी सुना रहे हो कहा स्टोरी सुनाने आए हो या अपनी ब्रिड बेकर को बचाने तो भाई टोनी शिवानी से ब्रिड बेकर भाई क्या ही जलन है एडम कोल को एडम <laughs> कोल को लग रहा है पता नहीं ब्रिड बेकर के साथ क्या ही कर लेगा टोनी शिवानी कुछ नहीं कर पाएगा हमें पता है इट्स ऑल अबाउट द एज बेबी साइज मे ड नॉट मैटर बट एज डज देन ऑफ कोर्स डैनियल ब्रैन भी इंटरप्ट करते हैं मतलब जो बिल्कुल उस टाइम पर हुआ था मेन इवेंट में बिल्कुल यहाँ पर भी यही देखने को मिला डैनियल ब्रैन इंटरप्ट करते हैं एंड देन वॉर से छिड़ जाती है एंड मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती डेनल ब्राइन ठीक है क्रिश्चियन ठीक है ये जंगल के आदमी को ये ये देखो एडब्ल्यू के फैंस है ना जो डॉल के लिए कंप्लेन करते हैं की डॉल अब तुम डायनासोर को देख रहे हो यार लड़ते हुए तुम तुम डॉल के बारे में कंप्लेन ना ही करो तो अच्छा है ठीक है डायनासोर जंगल बॉय अब इनकी अलग ही जंगल बुक चल रही है बिचारी डेनर बैन का तो जूता ही निकल गया था बट ये देखकर अच्छा लगा कि ने बाहर जो पैन रखा था वो ये छुपाने के लिए क्योंकि उन्होंने अंदर डेनर बैन की मर्चेंडाइज पैन रखी थी हम सब ने देखा डेनर बैन और कैन्य दोनों एक ही मर्चेंडाइज पैन के आए थे एंड डेनर बैन वर्सेज द चैंपियनशिप या फिर इसके पहले ये फाइव वन फाइव वगैरह करने वाले देखो मेरे को एक और चीज इंटरेस्टिंग लगी थी पता है एडम कोर ने जब सबके बारे में बताया ना कि यंग बक्स ये है कैन उगा ये बिचारी गैलोस एंडरसन का भी नाम ले लो यार वो भी कुछ है एटलीस्ट उनकी नजरों में वो कुछ है तो उनका भी तो थोड़ा रिस्पेक्ट कर लो नहीं डब्लू डब्ल्यू ने भी रिस्पेक्ट नहीं दी तुम भी मत दो ठीक है भाई गैलोसो रैंडरसन ये डिजर्व करते है ना मैं तो कहता हूँ एडम कोल को जलना चाहिए डेनर बैन से डेनर बैन को चैंपियनशिप मैच मिल जाएगा और तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा बट ये देखकर अच्छा लगा कि ये जो अलीट फैशन है धीरे धीरे बढ़ रही है एंड नाव लोगों की नजर है दो बंदों पर वन इज फिन पैलर

अभी तो खैर केविन ओवेंस और सैमी जेन का केस चल रहा है बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है एंड केविन ओवेंस तो बहुत भयंकर तरीके से टीज कर रहे थे हो सकता है कि डब्ल्यू से केविन ओवेंस और सैमी जेन का भी डिपार्चर हो जाए एनी जो अब मेन मुद्दा था वो मेन इवेंट पे जॉन मॉक्सली वर्सेज मिनोरो सुजुकी बहुत कम टाइम मिला था आई थिंक इनको लड़ने के लिए एंड मैं एंट्रेंस के लिए एक्साइटेड था क्योंकि जब जब मिनोरो सुजुकी की एंट्रेंस होती है पूरा गाना मैं गाता हूँ लिरिक्स मेरे को नहीं पता बट हम मेरे को पता है कि कहाँ पे कैसे क्या बोलना है लेकिन जब काजे नहीं नारे की बारी आई वो आई ही नहीं उन्होंने काट ही दिया मैंने कहा यह है तुम्हारी घटियापन इसीलिए मेरे को ए डब्ब्लू पसंद नहीं है मेन जो स्पॉट आना था वो तुमने काट ही दिया अब मैच भी मेरे को लगता है ज्यादा लंबा नहीं चला था मॉक्सली ने हरा दिया मिनोरू सुजुकी को हालांकि मैं ऑफकोर्स मिनोरू सुजुकी की तरफ था बट ठीक है अब यार इतनी टाइम तक सेलिब्रेट किया मॉक्सली ने उससे अच्छा वो थोड़ा टाइम मिनोरू सुजुकी को दे देते बट यही होता है भाई टीवी टाइम में अगर तुम तो ऐसे रेसलिंग मैचेस लड़ोगे तो क्या कर सकते हैं एनी जो मेन चीज चल रही थी वो है पीडब्ल्यू की रेटिंग्स पीडब्ल्यू की आ चुकी है रैंकिंग्स टॉप फाइव रेसलर्स ऑफकोर्स घंटा कोई फाइव हंड्रेड की बात नहीं करता सब टॉप टेन की बात करते हैं दो हजार इक्कीस की टॉप टेन लिस्ट में नंबर टेंथ पर उन्होंने रखा रिच स्वान को आई वॉज शॉकड रिच स्वान आर यू किडिंग में किधर से कैसे कब क्या पहली बात तो मेरे को ये पूरी लिस्ट देख के मेरे को उनका मैट्रिक्स नहीं समझ में आया कि किस तरह से ये लिस्ट बनाई है क्या वो केफेब को के लेकर बनाई है या फिर जो रेसलिंग का वर्क रेट होता है उसको लेकर बनाई है पॉपुलैरिटी आई डोंट नो काफी मिक्स एंड मैच लग रहा है बट ठीक है बेरेबल है बट रिश्स वन आई वॉज सरप्राइज नंबर टेंथ पर नंबर नाइन्थ पर है शिंगो टाकागी जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है रेसलिंग वर्ल्ड में इस समय मतलब जैसे लास्ट ईयर विल लोग वगैरह थे ना तो इस टाइम पर लोग कह रहे थे शिंगो इज द डिजर्विंग सुपर जो कि न्यूज

नंबर पर इन्होंने रखा है विल औे को आई डोंट नो मच अबाउट दी सुपरस्टार की इन्होंने 2021 और 2020 की जुलाई से क्या क्या किया बिकॉज आई थिंक जुलाई से काउंट होती है तो आई कॉन्ट कमेंट मच अबाउट दैट नंबर सिक्स पर इन्होंने रखा जॉन मॉक्सली को सो लास्ट ईयर जॉन मॉक्सली की रेटिंग थी नंबर वन ही वॉज द नंबर वन रेटेड Player from 2020. And now, number पर भाई इतनी ज्यादा हाँ बरी हो गए ये मैं नहीं कह रहा ये तो ए डब्बू फैंस कहते नंबर uh, फिफ्थ पर टॉप फाइव नंबर फिफ्थ पर रखा है कोटा भूशी आई थिंक इबूशी एक टाइम पर चैंपियन भी थे ना राइट तो एनजेपीडब्ल्यू के ऑलरेडी एक दो तीन तीन सुपरस्टार आ चुके हैं और तीन ही सुपरस्टार हैं NJPW के जो कि इस लिस्ट में रहे हैं जिसमें टॉप पर कोता इबूशी हैं एंड आई एम सरप्राइज कि ओकाडा नहीं है एंड आई डोंट इवन नो कि ओकाडा ने इस साल कितने मैचेस लड़े और ना ओकाड़ा है ना, ना नाइटो है जो कि पिछले साल थे रैंकिंग में खैर नंबर फोर्थ को स्पॉट को अपने बचाते हुए बचाते हुए क्यों क्योंकि लास्ट ईयर भी इन्होंने अपना स्पॉट फोर्थ ही रखा था एंड दैट इज ड्रू वाओ देख रहे हो गोल्डबर्ग को हराने का कितना बड़ा रिवॉर्ड मिला है ड्रूम को टॉप टेन में रखा इधर देखो कैसी भी बात हो फिर चाहे के की बात हो स्टोरी टेलिंग की बात हो या फिर मैचेस की बात हो ड्रूम एक्टर ने डिलीवर तो किया फिर चाहे वैंडी ओटन के अगेंस्ट हो या फिर अपना गोल्ड बर्ग के अगेंस्ट हो रोमन रेस के साथ सर्वाइवर सीरीज वाला मैच हो ही वॉज डिलीवरिंग हेयर एंड देयर तो नंबर फोर्थ ठीक है नंबर थर्ड वॉज अट मोर सरप्राइजिंग एंड इट वॉज बॉबी ओ माय गॉड व्हाट अब ये जो तीन सुपरस्टार्स है ना इनको देख के लगा कि नहीं ये रेसलिंग स्किल पे बेस नहीं बल्कि ये कैफे पर बेस इन्होंने स्टोरी लाइन बनाई है बिकॉज लैशली इज द डब्ल्यूबी चैंपियन तो उन्होंने लैशली को यहाँ पर रखा उनका जो स्ट्रगल था डब्ल्यूबी चैंपियनशिप तक का तो उस वजह से शायद लैशली को नंबर थ्री पर रखा है ठीक है डिजर्विंग नंबर टू पर है करंट यूनिवर्सल चैंपियन एंड प्रॉबेबली प्रॉबेबली जो कि नंबर वन हेडलाइन कर सकते थे इस लिस्ट में दैट इज द बिग डॉ आई मीन सॉरी हेड ऑफ द टेबल रोमन रेस किसने सोचा था कि रोमन रेंस नंबर पर आ सकता है बहुत लोगों ने सोचा था लेकिन नंबर वन पर बाजी मारी है केनी ओमेगा ने और पूरे ट्विटर पर यही बात चल रही थी कि नहीं नहीं नंबर वन पर रोमन रेंस को होना चाहिए था फिर लोग कहते नहीं नहीं नंबर वन पर केनी ओमेगा ही है हालांकि किसी को मैट्रिक्स ही नहीं पता जब किसी को यही नहीं पता कि ये किस बेस पे लिस्ट है तो कैसे अब नंबर वन देखो हर किसी के लिए कुछ और हो सकता है मेरे लिए रोमन रेंस रहा है लास्ट ईयर तो मैं रोमन रेंस को पिक करता बट उन्होंने जो कैनी ओमेगा पिक करा है डजन मीन के इट इज़ बैड बिकॉज इन दी एंड कैनी ओमेगा ने भी कुछ किया ही है आफ्टर ऑल

2016 की लिस्ट में रोमन रेस वॉज नंबर वन लेकिन 2021 में रोमन रेस नंबर टू वाह तो ऑफ कोर्स ये लिस्ट जो मेरे को लगता है काफी मिक्स रही है ऑफ कोर्स ये डेव मेजर की लिस्ट नहीं है तो इसलिए थोड़ा लेजिट भी लग रही है ये अगर डेव मेटर की होती तो नंबर वन पे होता कोई रैंडम जैपनीज रेसलर नंबर टू पर होता कोई रैंडम जैपनीज रेसलर नंबर थ्री पर होता कोई डब्ल्यू का वर्क हॉर्स नंबर फोर पर फिर रैंडम सुपरस्टार ऐसे ही होता बट इस लिस्ट पर भरोसा कर इस लिस्ट पे आप इतना भरोसा कर सकते हो कि दो में द में थे नंबर वन सुपर समझ रहे हो अच्छा ये भी छोड़ो नाइनटीन में डीजल को दिया था इन्होंने नंबर वन तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये रेसलिंग बेस पे नहीं है बिकॉज डीजल ऑफकोर्स तो ये केफेफ के बेस पे भी दे देते कभी कभी रेसलिंग के बेस पे भी दे देते हैं, बट इन दी एंड लिस्ट वॉज आई थिंक गुड फीमेल के लिए अभी नहीं निकाली उन्होंने आई थिंक उसकी मैगजीन अलग निकलेगी बट मेरे को तो अभी भी वो आइकॉनिक कवर याद आता है वो सेथ का यू नो जो सेथरॉलिंग में चैंपियनशिप जीती थी और उसके बाद जो कवर आया था वो अभी भी, भी बहुत बार मेरे को इधर उधर दिख जाता है योर थॉट्स आपके आपके हिसाब से कौन हो सकता है आपके लिए नंबर पर इज इट ओमेगा और इज इट रेन्स कमेंट्स में लिखकर बताओ और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इट्स ओके किसी के लिए नंबर वन रेन्स भी हो सकता है किसी के लिए ओमेगा भी हो सकता है बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर किसी के लिए वो नंबर वन पे द मिस भी था 2011 में फैंस को पास बुलाया ग्यारह शब्दों सब से सबका दिल था चुराया अपने नाम का सच था बनाया लाख का इसने परिवार That's था चुटाया पर समय की मार है या मेहनत की हार है खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है अफसोस की आज सबने इसको भुलाया फ्राइडे को इसने आर था लगाया फ्राइडे को इसने आर